आज की इस वीडियो में मैं आपको चार ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे आप फोन पे से किसी को भी पैसा सेंड कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे लाइव पैसा सेंड करके दिखाऊंगा, आपको वीडियो ध्यान से देखनी है फोन पे से। तो सबसे पहले इसके लिए आपको फोन पे ऐप पर जाना है और यहाँ पर हम तरीके देखने वाले हैं। तो फर्स्ट वाला तरीका है यहाँ पे टू मोबाइल नंबर का। इस वाले ऑप्शन से आप किसी के भी मोबाइल नंबर पर पैसा सेंड कर सकते हैं। तो हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमसे कोई व्यक्ति कहता है कि ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर तू पैसे फोन पे कर दे। तो पैसे आपको फोन पे कैसे करने रहते हैं, वो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना रहता है उस व्यक्ति का, या फिर आपके मोबाइल में सेव है किसी व्यक्ति का नंबर और आप उस नंबर पे पैसे सेंड करना चाहते हैं, तो आप किसी का नाम लिख के भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और जैसे ही आप मोबाइल नंबर टाइप कर देंगे, उसके बाद में नीचे आपको इंटर अमाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे पैसे टाइप करने हैं कि आप कितने सेंड करना चाहते हैं। जैसे कि इस व्यक्ति को हम एक रुपये सेंड करना चाहते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए एक रुपये सेंड करके दिखा रहा हूँ, आप कितने भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइप कर लेंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पे उस व्यक्ति का वेरीफाइड नाम दिखेगा। कई बार क्या होता है कि हम मोबाइल नंबर गलत टाइप कर देते हैं गलती से, तो फिर हर बार आपको आपका उस व्यक्ति का नाम क्रॉस चेक करना है। यदि उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे सही होता है तो मोबाइल नंबर भी सही होगा। इस टाइप से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे पे क्लिक करना रहता है। जैसे ही आप पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद में आप यहाँ पे यूपीआई पिन डालेंगे अपना। जो यूपीआई पिन आपने बनाया होगा फोन पे बनाते टाइम, वो यूपीआई पिन आप यहाँ पे डालेंगे और राइट के साइन पे क्लिक करेंगे, तो इस टाइप से पैसा सेंड हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुली, अब आप पैसे सेंड करेंगे हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम डन पे क्लिक करते हैं और फिर ये तो हमारा पहला तरीका हो गया। अब यहाँ पे हमारा दूसरा तरीका होने वाला है पैसे सेंड करने का, वो है क्यूआर कोड का। आप यहाँ पे नीचे क्यूआर कोड का ऑप्शन देख सकते हैं। ये क्यूआर कोड का ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब आपने फोन पे अपडेट कर रखा होगा, राइट, या फिर आपको ऊपर मिलेगा यहाँ पे क्यूआर कोड का स्कैन। दोनों जगह में से आपको कहीं पर भी क्यूआर कोड का ऑप्शन मिले, आपको इसको स्कैन करना है। कई बार क्या होता है कि हम किसी दुकानों पर जाते हैं या कहीं पर कुछ कॉपी लेते हैं, तो वो पैसा हम क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। तो डायरेक्टली या तो आप इसके सामने क्यूआर कोड का फोटो ले आएँ जो आप स्कैन करना चाहते हैं क्यूआर कोड को, या फिर आपके मोबाइल में क्यूआर कोड का पहले से फोटो डाला हुआ है तो आप यहाँ पे गैलरी पे क्लिक करके भी वो फोटो ले सकते हैं, राइट, उस पर भी आप पैसे सेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी तरीके से क्यूआर कोड स्कैन कर लें यहाँ पे। जैसे क्यूआर कोड स्कैन करेंगे और स्कैन करके आपको यहाँ पे अमाउंट टाइप करना है कि आप कितने रुपये सेंड करना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे 10 रुपये सेंड करना चाहते हैं, तो 10 रुपये टाइप करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड टू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड टू पे क्लिक करेंगे, एक बार और पे क्लिक करेंगे और फिर आपको यहाँ पे आपका यूपीआई पिन डालना है और यूपीआई पिन डाल के राइट के साइन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप इतना करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुली इस टाइप से पेमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने किसी के क्यूआर कोड पे 10 रुपये का पेमेंट कर दिया है। अब ये तो हो गया यहाँ पे मोबाइल नंबर का और क्यूआर कोड का तरीका। इसके बाद में एक तरीका होता है बैंक अकाउंट में डायरेक्टली किसी के बैंक अकाउंट में पैसे सेंड करने का। कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि ये मेरी बैंक डिटेल है, अकाउंट नंबर वगैरह आपको सारी चीज़ दे देता है और वो आपसे कहता है कि डायरेक्ट मेरे बैंक में पैसे ट्रांसफर कीजिए, मैं फोन पे वगैरह नहीं चलाता। तो फिर आपको उस केस में टू बैंक यूपीआई आईडी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एड रेसिपियंट बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। और अब यहाँ पर जिस व्यक्ति के अकाउंट में आप पैसा सेंड कर रहे हैं उसका किस बैंक में अकाउंट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे दिख जाएगा बेसिकली, राइट, काफ़ी सारे बैंक। यदि आपको नहीं दिखते हैं तो आप बैंक का नाम लिख के सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हम एक्सिस बैंक में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, उस व्यक्ति का एक्सिस बैंक में अकाउंट है, तो एक्सिस बैंक लिख के सर्च कर लेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे, अब यहाँ पर आप अकाउंट नंबर डालेंगे उस व्यक्ति का, और जैसे ही आप उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर डाल देंगे, अकाउंट नंबर डाल के आपको यहाँ पे आईएफएससी कोड डालना जरूरी नहीं है, यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड है, आप आईएफएससी कोड ना डालें, सिर्फ अकाउंट नंबर डालें और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दें आप। और फिर जैसे ही आप अकाउंट नंबर डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो उस व्यक्ति का वेरीफाइड नाम आ जाएगा वेरीफाइड अकाउंट होल्डर नेम के नीचे। अब यहाँ पे आपको क्रॉस चेक करना है कि जिस व्यक्ति के अकाउंट में आप पैसे सेंड कर रहे हैं क्या उसका यहाँ पे सही नाम आ रहा है। कई बार क्या होता है कि हम अकाउंट नंबर थोड़ा गलत डाल देते हैं, तो यदि गलत अकाउंट नंबर डाल देंगे हम तो यहाँ पे नाम भी फिर गलत आएगा। इसलिए आपको अकाउंट नंबर डाल के यहाँ पे नाम चेक करना रहता है। ये नेम ऑटोमेटिक वेरीफाइड नेम दिखाता है आपको, आपको यहाँ पे नेम डालना नहीं पड़ता। इसके बाद में ये निक नेम ये ऑप्शनल है, आप यहाँ पे कुछ ना डालें और फिर आप यहाँ पे प्रोसीड टू पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप प्रोसीड टू पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे, और फिर आपके सामने पैसे टाइप करने को आ जाएगा कि आप कितने रुपए सेंड करना चाहते हैं। जैसे कि मैं इस व्यक्ति को 2 रुपए सेंड करना चाहता हूं तो 2 रुपए टाइप कर लूंगा। आप जितनी मर्जी कर सकते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए छोटे छोटे अमाउंट टाइप कर रहा हूं। यहां पे 2 रुपए टाइप करके हमें यहाँ पे क्लिक कर देंगे और अब यहाँ पे आप अपने यूपीआई पिन डाल दें, जो यूपीआई पिन आपका हो, यूपीआई पिन डाल के आप यहाँ पे राइट के साइन पे क्लिक कर दें और इस टाइप से यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुली। आपको अकाउंट नंबर के पीछे के 4 अंक भी देखेंगे आप जिसके भी अकाउंट नंबर पे पैसा सेंड करेंगे, और फिर यहाँ पे आप डन पे क्लिक कर देंगे।
अब यहाँ पे ये तीन तरीके हो गए, इसके बाद में एक और तरीका रहता है यूपीआई आईडी पे पैसा सेंड करने का। तो आप यहाँ पे उस ऑप्शन के लिए भी यहाँ पे टू बैंक यूपीआई आईडी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यूपीआई आईडी सेलेक्ट करेंगे। अभी हमारा यहाँ पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट था, अब यहाँ पे आप यूपीआई आईडी सेलेक्ट करेंगे और एड यूपीआई आईडी पे क्लिक कर देंगे। और अब यहाँ पे आप उस व्यक्ति की यूपीआई आईडी डालेंगे जिस यूपीआई आईडी पे आप पैसा सेंड करना चाहते हैं। जनरली इस ऑप्शन का लोग यूज नहीं करते, यदि आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यूपीआई आईडी आप यहाँ पे टाइप करके और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप पैसा टाइप करेंगे कि आप कितने रुपये सेंड करना चाहते हैं और सेम आप यूपीआई पिन डालेंगे जैसे कि हमने पिछले ट्रांजेक्शन्स में देखा, सेम इसी टाइप से ट्रांजेक्शन होगा। यहाँ पर भी यूपीआई आईडी डाल के और यूपीआई पिन डाल के आप पैसे सेंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको चार तरीके बताए फोनपे से पैसे सेंड करने के। आई होप आप इन चार तरीकों से पैसे सेंड कर पाएंगे फोनपे से। यदि आपकी कुछ हेल्प हुई तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।